अन्य राज्यों को दादन मेहनत करने को जाकर महीनों काम करने भी भुगतान न मिलने पर श्रमिक निराश होकर अपने घर वापस आते हैं, मगर वही श्रमिक अपनी ही मिट्टी में अपने ही लोगों के द्वारा अगर ऐसे शोषित होता है तो इससे बड़ी बदनसीबी क्या ही हो सकती। ग्रीष्म ऋतु के 2.5 महीने तक पंचायत द्वारा दिए गए जल छत्र में मजदूरी काम करने के बाद भी काम किए गए बूढ़े और बूढ़ी मजदूरों को उनका पैसा न देने को लेकर बरगढ़ जिलाधिकारी के पास शिकायत किया गया। एस डुमरेपाली गांव के 7 वृद्ध महिलाएं और पुरुष बरगढ़ सदर ब्लॉक अंतर्गत एस डुमरेपाली गांव की है। घटना पिछले 20 ऋतु में जल छत्र में पानी वितरण करने के लिए एस डुमरेपाली ग्राम पंचायत के पीईओ तथा सरपंच सैरेंद्री शिका विभिन्न गाँव में जल छत्रों में पानी वितरण के लिए बोले थे और बदले में दैनिक 300 रूपए भुगतान देने को कहा था। पिछले अप्रैल 1 से जून 15 तारीख तक धूप में दिन भर जल में पानी वितरण करते आए 5 वृद्ध और 2 वृद्धा महामारी के वक्त जीने के 2 पैसे पाने की आस में काम करते आ रहे थे। सब कोई 70 साल का तो कितने असहाय महिला, सबकी हालत बोलते नहीं बनती। पूरे 2.5 महीने होने पर भी पंचायत की तरफ से उनको पैसे नहीं मिले। सरपंच के पास जितना भागने पर भी पैसा नहीं मिल रहा। 2.5 महीने तक एक श्रमिक का 22,000 रूपए हो रहा है पर 1 रूपया भी नहीं मिला। अंत में आज बरगढ़ जिलाधिकारी के पास मजबूरन एक टेम्पो की सहायता से 700 रूपए खर्च करके आकर शिकायत सभी ने किया। गर्मियों में प्यासों को जिसने पानी पिलाया था वही चकोर पक्षी की तरह प्यासे बैठे हुए हैं। कब उनका भुगतान मिलेगा? राज्य के गरीब श्रमिक जैसे दूसरे राज्य में न जाएं, इसलिए सरकार ने कई योजना बनाकर काम दिला रहे हैं, लेकिन उनको बिना पैसों के काम करवाने पर उनका इस तरह शोषण करने पर वह क्या अपने राज्य में रहेंगे या दादन मेहनत के लिए जाना सही समझेंगे? तुरंत इस विषय में एक विभागीय जांच पड़ताल किया जाए और उनको उनका पारिश्रमिक दिया जाए। R9 भारत के लिए सुशोभन दास की बरगढ़ से। झारसुगड़ा पुलिस वेदांत से परिवहन के वक्त हरड़ चाल हुए करीब 55 लाख रुपए का 21 मेट्रिक टन वजन का 32 खंड एल्युमिनियम 15 दिन के बाद अक्षत हालत में मिला है। मामले में ट्रक चालक पश्चिम बंगाल पूर्व मिदनापुर जिला कोटा घाट थाना इलाके का सचिन राय 40 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया है। झारसुगड़ा पुलिस अधीक्षक SP विकास चंद दास आज दोपहर 1 बजे कार्यालय में अनुष्ठित संवाददाता सम्मेलन में सूचना दिए हैं। पुलिस अधीक्षक के अनुसार वेदांत के सहयोगी परिवहन संस्था सुप्रीम ट्रांसपोर्ट के जरिए 17 तारीख को एक ट्रक में 20.959 मेट्रिक टन वजन का 32 गोल एल्युमिनियम खड़गपुर को परिवहन के लिए लदा हुआ था, पर 12 दिन में ही वह लक्ष्य स्थल पर पहुंच नहीं पाया था। चालक को मोबाइल भी बंद आ रहा था। उसी संस्था के मैनेजर राकेश शुक्ला पिछले 29 तारीख बड़माल थाने में इत्तला किए। मामले का महत्व समझ कर उपखंड पुलिस अधिकारी SDO निर्मल महापात्रा और बड़माल थाना अधिकारी अमिताभ पंडा के नेतृत्व में एक पुलिस दल पश्चिम बंगाल जाकर छानबीन की। वहां पर विभिन्न जासूसों के तथ्यों के आधार पर हावड़ा जिले पर शंखरेल थाना अंतर्गत दुलागढ़ शिल्पांचल को पहुंचाने के साथ काटने की कोशिश कर रहे उस एल्युमिनियम खंडों को हावड़ा पुलिस की सहायता से जब्त किया गया। चोरी में शामिल मालिक और चालक का कोई खबर नहीं है, जिसकी वजह से राज्य पुलिस सघन छानबीन करके चालक सचिन राय के एक छोटे होटल से गिरफ्तार करने में सफल हुई है। सचिन को पूछताछ करने के बाद ट्रक को जब्त किया गया है। पुलिस के जाल से बचने के लिए ट्रक को कई तरह के स्टिकर लगाने के साथ नंबर प्लेट बदले जाने की पुलिस अधीक्षक ने सूचना दी है। इसके अलावा वेदांत मुझे सामग्री लदने से पहले चालक योजना के अनुसार अलग नाम से अपना नकली ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएगा और ट्रक का पंजीकरण नंबर भी बदल दिया गया। आरोपी इससे पहले भी एक अधिक बार ऐसी सामग्री हरड़ कर चुका है। इस घटना की अवधि के बीच पिछले 27 तारीख का हल्दिया बंदरगाह से बिहार मुजफ्फरपुर को परिवहन होने के खाने का तेल को हरड़ चाल करने को लेकर आरोपी का नाम पर हल्दिया डंगा छक थाने में इत्तला होने पर SP श्री दास ने सूचित किया था। एल्युमिनियम खंडों की चोरी के मामले में पुलिस सभी सामग्रियों को जब्त की और इसमें शामिल कुछ और लोगों को भी छानबीन चल रही है। से माने जो आलुमिनियम प्लेट्स गुड़ाक किसी अंश से माने छोट छोट पीस कर काटुले काटा आरंभ करते कारण जो बड़ लंबा जो सीटा को आस्ते कमे छोट छोट कर निर्मल महापात्र नेतृत्व में गोटे टीम गढ़ाला जो थे इन्स्पेक्टर बड़माल बड़माल थाना रे संपर्क रे रिपोर्ट करते जार आनुमानिक मूल्य हूँ 56 लाख टंका। R9 भारत के लिए मानस बेहरा की रिपोर्ट, झारसुगुड़ा।